व्हाट इज प्रेम, प्रेम है क्या, किसको प्रेम कहा जाए। साहेब कबीर ने कहा, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी पे दिन होता सुको जो तन मन बोले साथ। और कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कहा दुनिया मर गया पढ़ते पढ़ते, लेकिन पंडित मैं किसी को नहीं देखा। पंडित कौन होगा, ए प्लस बी माइनस होल स्क्वायर, इससे कोई पंडित नहीं हो सकता है। कबीर ने कहा पढ़ पढ़ के पंडित, पढ़ पढ़ के ऐसे है, लिख लिख हो गए चोर, आ जो पढ़ने सदगुरु मिले सो पढ़ना कछु और। साहब कबीर कहते हैं, पढ़े लिखे क्या कीजिए, समूझी मन बौरा हो, अंत बिलैया खाए समूझी मन बौरा हो। क्या पढ़े आज तक, प्रेम की पढ़ाई पढ़े, पर संयुक्त एकार और महलांत अढ़ाई अक्षर है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। एक आदमी से किसी ने पूछा कि कल तो भत्सारा में सत्संग था, आप वहां नहीं पहुंचे, कहां थे। कहा कि हम एक पंचायती में चले गए थे। कहा पंचायती कैसी थी। कहा एक लड़का एक लड़की में प्रेम हो गया, उसी की पंचायती थी, उसी में हम चले गए। कहा बताइए प्रेम में पंचायती कैसे हो गया, लड़का लड़की में प्रेम हुआ तो प्रेम में पंचायती की क्या आवश्यकता है। पंचायती तो झगड़ा में, लड़ाई में, बेईमानी में, चोरी में, मर्डर में, इसमें पंचायती होती है। और जहां प्रेम हो गया वहां पंचायती की क्या आवश्यकता थी। प्रेम तो शिवरी और राम के बीच में हुआ, जो कभी पंचायती की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रेम मीरा और कृष्ण के बीच में हुआ, जो कभी पंचायती नहीं हुआ। प्रेम राम कृष्ण परमहंस और शारदा देवी के बीच हुआ, जहां कभी पंचायती नहीं हुई। प्रेम जयप्रकाश बाबू और प्रभावती देवी के बीच हुआ, जहां कभी कोई पंचायती नहीं हुआ, कोई खून खराबी नहीं हुआ, कोई मामला फौदारी नहीं हुआ, कोई गाली गलौज नहीं हुआ, कोई मारपीट नहीं हुआ, और कोई बच्चा भी पैदा नहीं लिया। प्रेम में पंचायती क्यों हुआ बंधुओं, वहां प्रेम नहीं था। उस लड़का लड़की में प्रेम होता तो पंचायती नहीं होती। शिवरी राम में प्रेम हुआ तो कभी पंचायती नहीं हुई। उस लड़का लड़की के बीच प्यार हुआ, और प्यार और प्रेम, देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन प्रेम एंड प्यार। प्रेम और प्यार में जमीन आसमान का अंतर होता है। प्यार हुआ शिवरी और राम के बीच में, प्रेम हुआ शिवरी और राम के बीच में, और प्यार हुआ था लैला और मजनू के बीच में। उस प्यार को हम मोहब्बत कहते हैं। उसी प्यार को मोहब्बत कहा गया उर्दू लफ्ज में। वहां पंचायती होगी, लड़की फंस गई है लड़का के मोह में, लड़का फंस गया है लड़की के मोह में। जहां प्यार होगा, जहां मोहब्बत होगा, वहां पंचायती होगी। जहां प्रेम होगा वहां पंचायती की कोई आवश्यकता नहीं है। और प्रेम होता है आत्मा से आत्मा का मिलन का नाम प्रेम है, और देह से देह के मिलन का नाम प्यार और मोहब्बत। साहब कबीर कहते हैं, मानव से प्रेम करो, माता पिता गुरु अतिथि में श्रद्धा रखो, और मानव से प्रेम करो। ये मानव प्रेम के पात्र हैं, जहां कोई विकार न हो, प्रेम निर्विकार हो, निर्मल हो, पावन हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, ऐसा प्रेम करो। शिवरी और राम के जैसा प्रेम करो, अपने माँ से, अपने पत्नी से, अपने बेटा और बेटी से, अपने भाभी से, अपने भाई से, अपने पिता से, या गांव के लोग से। मनुष्य प्रेम का पात्र है, मानव से प्रेम करो। जहाँ कोई जातीयता न हो, जहाँ कोई सांप्रदायिकता न हो, जहाँ कोई ऊंच नीच का भेद न हो, जहाँ कोई अवर्ण सवर्ण का भेद न हो, जहाँ कोई छुआछूत का भेद न हो, जहाँ कोई गोरा काला का भेद न हो, जहां कोई हिंदू मुसलमान का भेद ना हो, ऐसा प्रेम करो मानव मात्र से। यह कबीर की दूसरी भक्ति। माता पिता गुरु अतिथि में श्रद्धा रखो,
और मानव से प्रेम करो, और तीसरी भक्ति है यह जीव मात्र जितने मानवेतर प्राणी है। मानवेतर अर्थात मनु जोनी से नीचे की खानी में जीने वाले ये पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब दया के पात्र हैं। इन प्राणी पर दया रखो, ये तीसरी भक्ति। संत मत कहते हैं, कबीर मत कहते हैं, और दर्जन के दर्जन बकरी पोस के कुट्टी कटवाते हैं, दया का एक पैसा लेस नहीं। वो आदमी स्वर्ग जाएगा? बैकुंठ रास्ता खुला हुआ है क्या? हत्यारा बैकुंठ जाएगा? हत्यारा सतलोक जाएगा? स्तुति करके और विनती करके भर मांग चंदन करके और लाल पियर पहन के सतलोक चला जाएगा? व्हाट इज सतलोक? सतलोक है किधर? साहब कबीर ने कहा, नर तू पार उतर कहाँ जई हो, आगे पंथी पंथ न कोई, कुछ मकान न पई हो, आ कहे कबीर सुनो भाई साधो, जहाँ के पौध तहाँ ठह रही हो। अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही, आ जही डर से सब लोग डरत हुए, सो डर हमरे नाही। दिल में दया का एक पैसा नहीं। यहाँ अमीर बनने की बात है, बकरी 30,000 में खसी बिक रहा है, यहाँ अमीर बनने की मंशा है कि हम धनवान बन जाए बकरी कटवा कटवा के। तो धनवान बनोगे कि मुक्ति पाओगे? दो में से तो एक ना होगा, या तो धनवान बनोगे नहीं तो मुक्ति पाओगे। तो पोसा गया धन के लिए, बकरी क्यों पोसा गया? गाय तो लाया गया दूध के लिए, भैंस लाई गई दूध के लिए, बैल लाया गया खेत जोतने के लिए, घोड़ा लाया गया चढ़ने के लिए, अब बकरी क्यों लाई गई? मांस बेचने के लिए? यह मनसा खराब है, अंतरात्मा का विचारधारा गंदा है। अब वो आदमी कहता है हम संत मत में है, हम कबीर मत में है। तुलसीदास जी ने कहा, दया धर्म के मूल है, धर्म का मूल है दया, आ जहाँ दया नहीं है मूले बात खत्म है। तो और बच क्या गया? सब संतन की बड़ी बलिहारी, ये बच गया। आ कबीर पंथ की स्तुति विनती बच गया, आ दिल का दया समाप्त हो गया। अपना नहीं, अगर ऐसा है तो अपने बेटा पर बड़ी दया बेटी पर मत रखिए, आप अपने बेटा बेटी पर से भी दया हटा लीजिए। औरतों के पास माया होती है लेकिन दया का पूरा अभाव। एक जगह हम बैठे थे, वो बुढ़िया बकरी माने बच्चा देते देते बेचारी बुढ़ा गई, अंत में जब वो बच्चा देने लायक नहीं रह गई तो घर भैया कसाई के हाथे बेच लिया। आ हम उस जगह बैठे हैं, कसैया जो बकरी को ले के चला तो बकरी वाली कहती है, जा हे लक्ष्मी बड़ा धार बट पापी कहाँ के थे, लक्ष्मी इनको बड़ा धार दिया। अंत में इतना बेचने से इसका पेट नहीं भरा, बच्चा कटवाने से तो अंत में बुढ़ियों के गर्दन कटवा रही है, और लक्ष्मी बड़ा धार ला। ये औरत के पास कितना ज्ञान है, कितना बुद्धि विवेक है, इसका माया कहाँ कितना है, और दया इसके अंदर से कहाँ चली गई? एक पैसा दया का लेस नहीं है। धनवान बनने की लालसा है कि बकरी पोस के हम धनवान बन जाएंगे, खून के पैसा से आ गर्दन के कट्टी के पैसा से कोई धनवान बन जाएगा? कोई नहीं बनेगा, वो धन गलेगा, वो धन गलेगा, बढ़ेगा नहीं किसी कीमत पर, चूंकि गर्दन कट्टी का पैसा है। दया है दिल में, सदुवाई करते हैं, स्तुति विनती और प्रार्थना करते हैं। हेलो, और मुक्ति पाने की बात करते हैं। जब देवव्रत ने जब हंस को मारा था, हंस गिर गया, तीर लगा हंस गिरा, हंस को किसने उठाया? सिद्धार्थ गौतम ने। सिद्धार्थ गौतम ने उस हंस को अपने गोद में उठाया, अब धीरे से उसका तीर घींच के और मल्हम पट्टी करके अपने गोद में रखा था। हंस थर थर कांप रहा था डर से। देवव्रत दौड़ के आया, भैया चचेरा भाई थे दोनों, भैया ये हंस मेरा है, मैंने इसको मार के गिराया है, हंस मुझे दे दो। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, भैया मारने वालों से
ज्यादा अधिकार है बचाने वालों का, मैंने इस हंस के प्राण की रक्षा की है, मैं हंस नहीं दूंगा। दोनों भाई में झंझट होने लगा। कहा तो एक काम करो, पंचायती बैठाओ और फरियालो कि हंस किसका होगा। सौभाग्य देखिए, पंच में सिद्धार्थ गौतम के पिताजी राजा सुदोधन को पंच माना गया। एक तरफ भतीजा है और एक तरफ बेटा है और पिताजी पंच बन गए। देखा कि अगर भतीजा के पक्ष में जाता हूँ तो बेटा कहेगा पप्पा भतीजा का पक्ष ले लिया, अगर बेटा का पक्ष लेता हूँ तो भतीजा कहेगा बड़ा पप्पा बेटा के पक्ष में भाग गया, अभी संकट है यहाँ। एक उपाय सुझा सुदोधन को, कहा कि देवव्रत सामने खड़ा हो जाओ। दूरी तय करके खड़ा करा दिया और इधर भी दूरी तय करके सिद्धार्थ गौतम को खड़ा करवा दिया और दोनों का दूरी नाप करके और बीच सेंटर में उस हंस को रख दिया गया। और सुदोधन ने कहा हंस जिसके तरफ जाएगा हंस उसी का होगा। बोलिए आप लोग हंस किधर जाएगा? हंस सिद्धार्थ गौतम की तरफ चला गया। ताली बज गई और हंस सिद्धार्थ, एक एक प्राणी, जब बकरी चराने वाला चरवाहा बकरी को खोलता है चराने के लिए तो बकरी आगे भाग जाती है, चरवाहा पीछे पड़ जाता है। लेकिन उसी बकरी का रस्सी आप जरा कसैया के हाथ में दे के देखिए, कसैया आगे खींच रहा है अब बकरी चारों पैर पीछे खींच रही। इस दुनिया में एक एक जीव प्रेम का भूखा है, लेकिन मनुष्य चूंकि निर्दयी हो गया इसलिए सारे जीव डर रहे हैं। मैं मठाही मठ पर था, वहां दो गो कौआ आता था रोज, आ कौआ कितना होशियार था, दोसर कुछ देते थे तो नहीं खाता था, उसको चाहिए केरा पका हुआ आ नहीं तो छाली दही। उसके लिए हम केरा खरीद के लाते थे, उसके लिए दही बचा के रखते थे, जो टाइम पर दोनों आता था, दोनों को दही दे दिए न तो केरा दे दिए, दोनों खा के चला, मेरे निकट में आ जाता था धीरे धीरे, वो सोचता था ये मुझे नहीं मारेगा। एक दिन तो एक जगह खोता में दो पंडुक चार गो अंडा दिया, लड़का सब उधेर बुन में लगा था। मैंने कहा सुन लो, जो अंडा को छुएगा वो रात में मर जाएगा, सुतले रह जाएगा, डर से कोई नहीं छुआ। एक दो दिन चार दिन में बच्चा हो गया, कहा कि बच्चा हो गया, हम बच्चों छुएगा वो सुतले रह जाएगा, कोई नहीं छुआ। हमको कहा आप चल के देखिए, मैं गया तो बच्चा को झांप करके उसके मम्मी पापा बैठे थे, हमको देख के तो उड़ जाना चाहिए लेकिन दोनों में से कोई नहीं उड़ा। मैं दोनों को हाथ से उठा के अलग रख के बच्चा को खिला लिया और फिर दोनों बूढ़ा बूढ़ी को मैं खोता में रख दिया। फिर कल गए तो नहीं उड़ा, वो जान रहा था ये आदमी हमको मारने वाला नहीं है। आज तक मैं ये चींटी को नहीं मारा हूं, आज तक 65 बरस का उम्र मेरा बीत रहा है, ना आज तक मैं कभी मंदिर गया और ना मैं आज तक किसी चींटी को मारा, नहीं आज तक कोई दुर्व्यसन खाया, न किसी का चोरी दलाली किया और नहीं कहीं सत्संग में गए तो साटाबाजी किया और न किसी के बहू बेटी पर बुरा नजर डाला और मंदिर भी कभी नहीं गया। मैं गुरु के बताए हुए, आचार्य प्रवर धर्म स्वरूप साहब के बताए हुए मार्ग पर चलता हूँ, किसी का कोई आज तक गड़बड़ी मैंने नहीं की। और मंदिर जाने वाले पूजा करने वाले एक से एक गलत काम करते हैं, इसलिए कि भरोसा है मंदिर का, भरोसा है देवी देवता का। लेकिन आचार्य जी ने मुझको कहा इतना ईमानदारी से किशनगंज में कि हे रमा शंकर साहब, मेरा भरोसा भी मत कीजिएगा, भरोसा अपना, भरोसा अपना। आज गुरु 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 पढ़ते पढ़ते सब बेकल है। गुरु बैकुंठ ले जाएगा आपको, है डोरी धरा के ले जाएगा आपको बैकुंठ में। भरोसा हटा लीजिए, भरोसे वाले व्यक्ति कायर होते हैं, डरपोक होते हैं और नहीं तो अहंकारी होते हैं। जिसका बाप दरोगा है, जिसका बाप एसपी डीएसपी है, वो किसी के बेटी का इज्जत लूट लेगा, कहेगा हमको कौन 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 क्या बिगाड़ेगा, मेरा बाप एसपी है, मेरा बाप दरोगा है, एफआईआर होगा नहीं, वो आदमी किसी का मर्डर कर देगा और नहीं तो वो आदमी बिल्कुल कोढ़ी हो जाएगा,
काम नहीं करेगा, बाप कमाते हैं हम क्यों कमा के खाएंगे। वैसे भगवान वादी लोग या तो अहंकारी हैं और नहीं तो कायर हैं, डरपोक बन के जी रहे हैं। हम न कायर हैं और न हम अहंकारी हैं, हमको किसी का भरोसा नहीं है, अपने भरोसा पर। साहब कबीर ने कहा, अरे बंदे कर ले आप निबेरा, अपना भरोसा पर चलता हूँ और एक एक पैर उठाता हूँ कि कहीं कर्म का परिणाम न भोगना पड़ जाए। एक एक पैर ऐसा उठाता हूँ जो कहीं गलती न हो जाए, किसी को हमसे दुख न हो जाए और उसका परिणाम न कहीं हमको भोगना पड़ जाए। बंधुओं 12 बज गया है।